हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाव हिंदी। आज यानी कि सच्ची आज ही हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट 2019 ऑफिशियल फर्स्ट लुक ट्रेलर। बहुत ही हाइप्ड मूवी है। कमेंट्स में कल हमने जो रिलीज किया था उस वीडियो के कमेंट्स में भरा हुआ है। yes, मुझे इस तो लग रहा था कि किसी ने वीडियो देखा है यार, वो लोग बस आके डायरेक्टली कमेंट्स में ही गए। हाँ, बहुत ही हाइप है इसके अराउंड, तो वेरी एक्साइटेड टू वॉच। हमें ईमेल्स आए, मैसेजेस आए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एवरीवेयर एवरीबॉडी इज लाइक जस्ट रिएक्ट टू दिस। और अपेरेंटली पाकिस्तान का सबसे एक्सपेंसिव, राइट? सो लेट्स सी कि इतना हाइप क्यों है। या एंड आज हम लोग अलग अलग से देखेंगे। हाँ, ये मूवी के अराउंड इतना हाइप है कि हम लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते एक्सपीरियंस। दोनों भी अलग ईयरफोन्स के थ्रू देखने वाला है। लेट्स एंजॉय। देश पंजाब चुकिया सी इक सूर में वैर दा हार, साथ दा जट ते यार गंडासा उतो प्यो सरदार, सौ सौ मील ते डंके जट दे तके जिड़ा पासा, जट तो वद खड़ाक सी करदा जट दा तेज गंडासा। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਥੰਮ ਸੀ ਨੂਰੀ ਨੱਥ ਸਦਾਵੇ, ਨੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਲੱਭੇ ਆਪੇ ਮਾਰਦਾ ਜਾਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੜ ਫੜ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵਣ ਰੋੜੇ, ਨੂਰੀ ਨੱਥ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜੇ, ਬੁਝੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹਵਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸ਼ੋਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦਾ ਯਾਰੋ ਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਲਾ। I was not expecting this at all. मुझे definitely movie देखना है। ये पद्मावत जैसा style लग रहा था, but ये ज़्यादा epic and और ज़्यादा violent लग रहा है, and पता नहीं ये slightly Game of Thrones का भी slightly music वैसा था, मतलब बहुत ही epic ऐसा। I was not at all expecting this. और मूवी के नाम से मुझे ये टाइप का मूवी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे पहले लगा था कुछ, जब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था ये क्या है, तभी मुझे लगा था कि मे बी ये कोई फनी मूवी रहेगा, बट दिस इज टोटली डिफरेंट, अमेजिंग। मुझे ऐसी मूवीज पसंद है। आई एम वेरी सरप्राइज जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, इतना आई एम नॉट श्योर बजट कितना, बट दिस इज एपिक। And then hopefully movie भी इतना epic हो। ये trailer देख के almost goosebumps आ रहा था। And उसमें फवाद खान है। हाँ, वो मैं almost उसको पहचाना ही नहीं, उसका look totally अलग है इस movie में। He is looking way way more handsome than ever before। Game of Thrones में भी इतना कोई handsome person है क्या? मुझे ऐसा लगता है Game of Thrones सिर्फ उसके story की वजह से great है, मुझे कोई handsome नहीं लगता उसमें वैसे भी। वो ड्रोगो, हाँ, यस ही वाज। और बट माहिरा को जल्दी पहचान लिया। हाँ, उसको आइडेंटिफाई करना इजीयर था।
बट मैं तो सिर्फ ये दोनों को ही पहचानता हूँ। वाओ सीरियसली देखने का मन हो रहा है। लाइक कभी रिलीज कब हो रहा है? आई थिंक इट इज ईद 2019 का एग्जैक्ट डेट नहीं पता। काफी मंथ्स बाकी आई थिंक। हाँ बट इट्स ओके, मतलब अभी नेक्स्ट ईयर ही है। इमेजिन कर अगर एटलीस्ट ये ईयर एंड हो रहा है, अगर इससे पहले ही ये ट्रेलर देख रहे थे तो फिर हमें दो साल रुकना पड़ता है, ऐसा दिमाग में रहता कि अरे अभी तो 2018 फिर 2019, सो दिस इज स्लाइटली बेटर। बट दिस इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। पाकिस्तानी मूवी इंडस्ट्री का रिवाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये मूवी। यस मुझे वही लगता है कि दिस कैन बी द टर्निंग पॉइंट, मतलब इसके बाद जो भी आएगा इट इज गोइंग टू बी, मतलब अभी एक वो कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा ना उधर भी बहुत। This is amazing. Wow. See, मेरा भी अभी दो मिनट पहले ऐसे ही हुआ था कि मतलब अभी सिचुएशन कैसा है ना, वी वांट टू से सो मेनी थिंग्स बट एक्चुअली कुछ आ ही नहीं रहे वर्ड्स। बिकॉज़ बजट को बहुत अच्छे से यूज किया इसमें, मुझे कुछ मिल रहा नहीं है कि कितना एग्जैक्ट बजट है। मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा था और अपेरेंटली ये सब कॉन्टिनेंट का फर्स्ट मूवी होगा जो चाइना में ग्लोबल रिलीज के साथ होगा। कोई इंडियन मूवी भी साथ में चाइना में रिलीज नहीं हुआ। चाइना में इजी नहीं है फॉरेन मूवीज रिलीज होना। इंडियन मूवीज भी एक साल के बाद होती है, जैसे दंगल जिस साल हुआ उसके नेक्स्ट ईयर रिलीज हुआ चाइना में। आई गेस पाकिस्तान का चाइना के साथ जो अच्छा रिलेशनशिप है, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। क्योंकि इमेजिन अगर चाइना में ये हिट हो गया, क्योंकि चाइना में कुछ बॉलीवुड मूवीज ने अच्छा किया, चाइना से 2/3 इनकम आता है, क्योंकि चाइना इतना बड़ा मार्केट है, दे कैन एक्चुअली बीट बहुत सारे रिकॉर्ड्स। अगर आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये मूवी 500 crores या 700 crores कुछ क्रॉस करेगा, especially अगर ये पाकिस्तानी मूवी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई होप कि ट्रेलर जितना एपिक था वो मूवी भी हो। होगा ही, क्योंकि स्टोरी वैसा ही है, मतलब देयर इज गोइंग टू बी बहुत सारा फाइटिंग, रोमांस है, फिर वो इसमें था क्या बोलते हैं उसको, उसको बांधा हुआ था, सो देयर हैज टू बी समथिंग वेरी ट्रेजेडिक, सो काफी कुछ होने वाला है। मतलब आई थिंक इट इज सब किस्म की चीजें रहेगी उसमें। आई एम स्लाइटली वरीड कि इंडियन और पाकिस्तानी मूवीज में रोमांस पे थोड़ा ज्यादा फोकस होता है, वो ना हो। लग रहा नहीं है ट्रेलर से, नहीं लग रहा, बट होगा तो भी इट्स ओके, आई मीन आई डोंट माइंड। थोड़ा ठीक है बट हमारे मूवीज में एक ये हो जाता है, पूरा फोकस वही हो जाता है। बट ट्रेलर अमेजिंग, दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट ट्रेलर आई हैव सीन, पाकिस्तानी ट्रेलर। इंडियन ट्रेलर्स में भी आई डोंट थिंक मैंने कोई भी ट्रेलर देखा जो इतना इंप्रेस हुआ मैं। हम लोग कभी ट्रेलर्स इतना इंटरेस्ट से देखते भी नहीं है इंडियन। मैंने जब भी कोई बड़ा बॉलीवुड मूवी का ट्रेलर देखा है बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ भी जाता हूँ। ये टाइप का मूवी है वो तक पता नहीं था। हाँ। मुझे लगा था अभी तक जो भी पाकिस्तानी मूवीज देखे है ड्रामा या फनी कॉमेडी टाइप के थे, सो हम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था। पता था कि कुछ प्रोडक्शन वैल्यू अच्छा ही होने वाला था, क्योंकि पाकिस्तान का आई थिंक आपके कमेंट से लग रहा है कि सबसे एक्सपेंसिव मूवी है, देख के तो लग रहा है। हाँ लिखा हुआ है आपने, तो वी आर बिलीविंग यू इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी, लेकिन अमेजिंग। मैं तो स्लोली क्लैप कर रहा हूँ। हाँ नहीं तो आपको ही वो तकलीफ होगा। माइक इतने नजदीक है, यहाँ पर है माइक, मैं जोर से क्लैप करूंगा तो। सो एक्साइटेड, आई एम श्योर कि वी विल वॉच इट। आई एम नॉट श्योर कि इंडिया में रिलीज होगा क्या, थिएटर में नहीं लेकिन लैपटॉप पे तो देख ही सकते हैं। मजा आएगा। एंड अगर तब तक कुछ हो गया बाय एनी मिराकल अगर इधर भी रिलीज हो जाता है तो फिर या इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव हो गए समहाउ, और पाकिस्तानी मूवीज यहाँ भी रिलीज होने लगी, अमेजिंग। क्योंकि ये मूवी ऐसा है जो थिएटर में देखने का मजा अलग ही, और इंडियंस भी फवाद और माहिरा को पहचानते ही है, और फवाद तो मतलब ही इज एवरीबॉडीज लव। हाँ तो ग्लोबल लव, तो आई एम श्योर कि इंडिया में अगर रिलीज होता है तो इंडिया में भी अच्छा करेगा। लेट्स होप, अभी काफी टाइम है रिलीज तक, सो वी कैन होप। पता चला
ईद बहुत नज़दीक है, हम लोग सोच रहे हैं मेरे हिसाब से मई जुलाई के बीच में कुछ, या आई थिंक जून जुलाई, हाँ वैसे कुछ। आप बता दो कमेंट्स में एग्जैक्ट डेट बता दो हमें। एग्जैक्ट डेट नहीं पता होगा तो भी आसपास कभी होगा वो बता दो। सो दैट्स इट, या अमेजिंग, बाय बाय।